वक्त बेवक्त होने वाली सामाजिक उथल पुथल में किसानों की भूमिका भले ही गौड़ रही हो, लेकिन भारतीय इतिहास के झरोखे में नजर दौड़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अपने ही देश में आजादी के पहले और आजादी के बाद किसानों के कई ऐसे आंदोलन हुए जिसने यहाँ के हुक्मरानों के चूल्हे तक हिलाकर रख दिए। 1993 में राजकुमार संतोषी की दामिनी फिल्म का डायलॉग भारत में न्याय व्यवस्था पर बहुत सटीक टिप्पणी थी। अब ये टिप्पणी दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार की हालत बन गई है। अब तक सरकार और किसानों के बीच 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन किसानों को इंसाफ नहीं मिला है, मिली है तो सिर्फ तारीख। तब किसानों के रुख को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और आगे की रणनीति पर चर्चा की और एक प्रस्ताव किसानों को भेजा गया, लेकिन ये भेजा गया प्रस्ताव बस मुंह की मेहनत है। किसानों ने इसे पढ़ा और कहा कि हम इस मुंह की मेहनत का मतलब समझते हैं, लेकिन हमारी मांग बहुत सीधी है, आप कानून वापस ले रहे हैं या नहीं, इसका जवाब आपके प्रस्ताव में नहीं है। अब सरकार को समझ नहीं आ रहा कि किसानों को तोड़ने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि भारत की साधारण जनता ने सरकार को भारी झटका दे दिया है। मोदी सरकार के बड़बोले मंत्री सदमे में आ गए हैं। खुद प्रधानमंत्री के चेहरे का रंग 8 दिसंबर को हुए बंद की तस्वीरों को देखकर उड़ गया था। अब जरा सरकार की होशियारी को समझिए। 5 दिसंबर को किसानों से बैठक के बाद सरकार ने 9 दिसंबर की तारीख दी थी, और ये तारीख इसीलिए दी थी क्योंकि इससे पहले 8 दिसंबर को किसानों के भारत बंद में सरकार उनकी ताकत देखना चाहती थी। सरकार को लगा था कि 4 दिन में किसान टूट जाएंगे, लेकिन सरकार को ये इंतजार महंगा पड़ गया। किसानों के समर्थन में भारत बंद की जो तस्वीरें सामने आई उसने मोदी सरकार को विचलित कर दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया है। गाजियाबाद से गुड़गांव तक और दिल्ली से दादर नगर हवेली तक किसानों के समर्थन में सन्नाटा पसरा रहा, और किसानों को खालिस्तानी कहने वाले खट्टर सरकार के हरियाणा में किसानों ने पूरा सूबा बंद करा दिया। पूरे देश से आई तस्वीरें भारत बंद की सफलता और काले कानून का विरोध बयां कर रही थीं, और लोगों के तेवर देख मोदी सरकार को साफ सुन गया। सरकार किसानों के भारत बंद से यहां तक डर चुकी थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा बसपा कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को उनके घरों में ही नजर बंद कर दिया और घरों के बाहर कई थानों की फोर्स तैनात कर दी। हद तो तब हो गई जब दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके सरकारी आवास पर ही नजरबंद कर दिया गया और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को सहारनपुर में उनके घर में नजरबंद किया गया। लेकिन 8 दिसंबर को 3 बजते ही ये साफ हो गया कि देश को किसानों ने मोदी सरकार से अलग थलग कर दिया है, और अब सरकार को समझ नहीं आ रहा कि वो किसानों को तोड़े भी तो कैसे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर थक गए, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अपना जोर आजमा लिया, फिर किसानों से गृह मंत्री अमित शाह को भी टका सा जवाब मिल गया। अमित शाह ने भी अब तक अपने राजनीतिक जीवन में ऐसा आंदोलन नहीं देखा था और ना उन्हें इतनी सख्ती से किसी ने सीधा जवाब दिया था। किसानों का लहजा उन्हें खून के घूंट सा लगा था। किसानों से बातचीत के लिए संतोष गंगवार, रविशंकर प्रसाद, भूपेंद्र यादव, प्रकाश जावड़ेकर को आगे किया गया, लेकिन सरकार की ओर से लगातार यही इशारा किया गया कि हम कानून में संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन किसान इससे ज्यादा की उम्मीद ना करें। फिर किसानों ने कह दिया कि हमें कोई जल्दी नहीं है, हम महीनों का राशन लेकर इस आंदोलन पर निकले हैं, आप फिर सोच लीजिए, हम इंतजार करेंगे। किसानों का खुला ऐलान है, हम इंसाफ की तारीख तक बैठे रहेंगे, आप चाहे जो कर लीजिए। पहली बार पीएम मोदी को भी एहसास हुआ कि उनके पास अंबानी और अडानी से बात करने वाले बड़े सूरमा मंत्री तो हैं, लेकिन किसानों में पैट रखने वाला कोई बड़ा नेता नहीं है, क्योंकि किसानों पर सरकार की कोई तिकड़म काम नहीं कर रहा था और किसानों की हिम्मत और एकता के आगे सरकार की एक नहीं चल रही थी। सरकार को किसानों के बातचीत के लिए फिर एक तारीख तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि एमएसपी की गारंटी से पहले किसान झुकने वाला नहीं है और एमएसपी ना मानने वाली कंपनियों पर सजा के प्रावधान की भी मांग है, लेकिन सरकार ऐसा चाहती तो मामला फंसता ही क्यों, किसान सड़क पर उतरते ही क्यों। जाहिर है सरकार कंपनियों को फायदा पहुंचाना चाहती है, लेकिन इस बार किसानों ने सीधी लकीर खींच दी है। अब या तो सरकार किसानों के साथ खड़ी हो या कंपनियों के साथ, क्योंकि किसानों के साथ कोई घालमेल नहीं चलेगा, ये किसान तय कर चुके हैं।